हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज प्लेनेट इंडिया। आप सभी का स्वागत है फिर से नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके एक लिए एक लेटेस्ट अपडेट है, गुड न्यूज़ इनफैक्ट। फ्रेंड्स, संस्कृत डिपार्टमेंट के द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई थी लेवल वन की कक्षा 1 से 5 की टीचर रिक्रूटमेंट की, तो फ्रेंड्स आज उसका रिजल्ट आ गया है। मैंने उस पर वीडियो अपलोड किया था वैकेंसी पर, तो आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम उसका रिजल्ट कब आएगा, तो फाइनली आज आपका रिजल्ट आ गया है। तो कट ऑफ जारी कर दी गई है डिपार्टमेंट के द्वारा, आप देख रहे हैं संस्कृत विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो फ्रेंड्स, इसमें लिखा हुआ है टीचर रिक्रूटमेंट 2017, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपका कट ऑफ का PDF आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप ज़्यादा परेशान ना हो, मैंने डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप लिंक ओपन करके अपना रिजल्ट चेक करें कट ऑफ क्या गई है। तो चलिए एक बार हम देखते हैं, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, देखते हैं आपकी कट ऑफ क्या गई है। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आप लिंक को ओपन करेंगे आपको ऐसा PDF मिलेगा। एक्चुअली मेरी तबीयत खराब है तो मेरा थोड़ा गला सही नहीं है, तो फ्रेंड्स आप जरूर देख लें एक बार डिटेल से इसको, तो मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके इसमें दो टाइप से फॉर्म फिल किए गए थे, नॉन TSP TSP संस्कृत के, और एक थे जनरल के TSP और नॉन TSP से। और आपकी टोटल जो पोस्ट थी संस्कृत डिपार्टमेंट की जो लेवल वन की जो नॉन TSP की थी उसकी 784 थे, और जनरल की कट ऑफ गई है 75.33। बाकी अभी सभी स्टूडेंट्स अपनी कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा। प्लीज़, मेरा गला सही नहीं है इसलिए मैं नहीं बोल पा रही हूँ ज़्यादा। नेक्स्ट है लेवल वन की जो TSP के हैं स्टूडेंट्स, उनकी गई, उनकी पोस्ट थी 62 और उनकी परसेंटेज गई है 66.00। और कैटेगरीज वाइज आप प्लीज़ देख लीजिएगा। नेक्स्ट है लेवल वन के जो नॉन TSP जनरल कैटेगरी, जो मतलब जिन्होंने संस्कृत से नहीं अप्लाई किया था, मींस जो जनरल के हैं उन्होंने, जो अदर इंस्टीट्यूट से जिन्होंने BSCC की है, मतलब वो संस्कृत डिपार्टमेंट के स्टूडेंट नहीं हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं नॉन TSP में। उनकी 919 पोस्ट थी और उनकी परसेंटेज गई है 78.67। और जो लेवल वन के जो TSP के हैं जनरल वाले, उनकी गई, उनकी पोस्ट 64 थी और 71.33 उनकी गई है पोस्ट। तो फ्रेंड्स सॉरी, आप देख लीजिएगा अपनी अपनी कैटेगरीज वाइज। कल ही 21 तारीख की डेट में जारी कर दी गई है आपकी कट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत के द्वारा। सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। और इसी तरह लेल नॉलेज प्लेनेट इंडिया पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। और नेक्स्ट लिखा है इसमें नीचे, उन्हें भी देख लेते हैं कि क्या लिखा है। एक इन्फॉर्मेशन है थोड़ी कि उपरोक्त विषयवार श्रेणीवार कट ऑफ के अनुसार अभ्यर्थियों को अस्थायी सूची एवं प्रमाण पत्रों अंक तालिकाओं के सत्यापन हेतु तिथिवार कार्यक्रम संलग्न है। नेक्स्ट लिखा है यह सूची नियुक्ति का आधार नहीं है, यह पूर्णतः अस्थायी है। अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र अंक तालिकाओं के सत्यापन के पश्चात अंतिम सूची जारी की जाएगी। तो फ्रेंड्स, जो भी सिलेक्ट हुए हैं कैंडिडेट्स उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपकी फाइनल कट ऑफ वापस से फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी, उसी के बेस पर आपका चयन होगा। तो फ्रेंड्स, अभी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें, आपको कभी भी कॉल आ सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। लास्ट पॉइंट है उपयुक्त कट ऑफ के आधार पर जारी अस्थायी सूची में यदि किसी अभ्यर्थी का नाम छूट गया हो अथवा अंकित कट ऑफ संबंधी शिकायत हो तो वह दिनांक 30/11/2017 को कार्यालय समय पर 6:30 बजे तक ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी, शिकायत के विवरण संबंधी प्रार्थना पत्र, शिकायत त्रुटि की पुष्टि संबंधी समस्त दस्तावेज के साथ निदेशालय संस्कृत विभाग राजस्थान जयपुर में अभ्यावेदन प्रस्तुत कराएं। दिनांक 30/11 के पश्चात प्रतिवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख लें जिसका नाम नहीं है लिस्ट में तो वो डिपार्टमेंट में अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकता है, 30 नवंबर लास्ट डेट है। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन थी नॉलेज प्लेनेट इंडिया के साथ, आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों ने देख ली होगी। फ्रेंड्स, आपका जो लिस्ट है बाकी सारा मैंने PDF वो लिंक दे दिया है, आप डायरेक्ट वहां से देख लीजिएगा। मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रही हूँ, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है जैसा कि मैंने आपको बताया। सो गुड लक सभी सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए भी, और
आने वाले रीट एग्जाम में प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन भी है कि उनकी मैंने वीडियो सीरीज स्टार्ट कर दी है। अभी 2-3 दिन से मैं उनके वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, तो फ्रेंड्स आप डोंट वरी, निश्चित रहे मैं आप लोगों का सिलेबस पूरा कराऊंगी। जैसे ही मेरी थोड़ी तबीयत ठीक होती है, मैं थोड़ा रिकवर होती हूँ। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करी कीजिएगा, जरूर उन्हें भी बताएं। आपका उनका कट ऑफ जारी कर दी गई, उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी नॉलेज प्लेनेट इंडिया से। तो फ्रेंड्स वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।